Hi everyone, welcome to KiCo. So today in this lecture we're going to learn about what is mode. Agar mode kya hoga, agar aapko kuch observations given hai, if you're given with a set of observations to uska mode kya hota hai, theek hai? To mode ki definition padhte hain. Mode of any set of given observation is the observation that occurs most often. Dekho bahut simple si definition hai. जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होती है उसे आप क्या बोलते हो, उसे मोड बोलते हो. इसका मतलब कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उस ऑब्जर्वेशन में से जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगी वही उस डेटा का मोड कहलाएगा, ठीक है. तो देखो मोड कैसे हेल्प करता है. मोड इस तरीके से हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टोर में जाते हो, ठीक है. लेट्स से आप किसी अपैरल स्टोर या क्लोथ स्टोर में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है. तो जो शॉपकीपर है उसे कैसे पता चलेगा कि उसका मोस्ट फेवरेट या सबसे ज्यादा सेल होने वाला आर्टिकल कौन सा है, ठीक है. तो लेट्स से कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को परचेज करेंगे. लेट्स से एक शर्ट जो है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम बिकती है, ओके. लेट्स से कि एक पर्टिकुलर टी शर्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है और वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बिकती है एज कम्पेयर टू बाकी सारा जो हमारे पर अप्रैल या फिर क्लोथ्स रखे हुए हैं. तो आपके डेटा का मोड क्या होगा, वही पर्टिकुलर टी शर्ट जो होगी वो आपके डेटा का मोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, वही टी शर्ट है. तो अब क्या होता है, पॉपुलैरिटी या फ्रीक्वेंसी समझने पड़ेगा कि फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा क्या चीज बिक रही है वही उसका मोड कहलाएगा, ठीक है. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल सेज फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. आपको गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, इसका मोड फाइंड आउट करो. तो अभी हमने बताया जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर होगी या आएगी वही उसका मोड कहलाएगा. तो अगर मान लीजिए मैं काउंट करना शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट काउंटिंग के वन, यहां पर आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं, वन आया है, टू आया है, थ्री आया है और फोर आया है, ठीक है. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबका टैली मार्क्स करते हैं. क्या करेंगे, टैली मार्क्स. अब समझते हैं टैली मार्क्स क्या होता है. टैली मार्क्स ऑब्जर्वेशन को काउंट करने का तरीका होता है. तो जितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन आएगी मैं उतनी बार लाइंस को ड्रॉ करता जाऊंगा. वन कितनी बार आया है, वंस. अगेन वन आ गया, अगेन वन आया, वन. तो टैली मार्क्स की हेल्प लेके मैंने, मेरे को क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, वन कितनी बार आया है, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स आया है. अब टू को काउंट करते हैं, टू कितनी बार आया है, वन टू थ्री एंड फोर. तो वन टू थ्री एंड फोर. तो टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्व जो टू है वो कितनी बार अकर हो रहा है, फोर टाइम्स. व्हाट अबाउट थ्री, थ्री एक बार आया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन. और फोर कितनी बार आया, वन एंड टू, ठीक है. तो अब देखो ये डेटा आपको कितनी आसानी से मोड हेल्प मोड निकालने में हेल्प करेगा. आपकी सबसे ज्यादा आने वाला नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया, ये वाला नंबर. तो ये वाला नंबर कौन सा है, टू, ठीक है. टू जो है वो कितनी बार आया है, फोर बार आया है, फोर टाइम्स आया है. तो इसका मतलब आपके डेटा का मोड क्या हो गया, मोड इज टू. डोंट कंफ्यूज. कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो मोड इसको समझते हैं, नहीं ये तो नंबर ऑफ अकरेंस है. अकरेंस का मतलब कि टू कितने टाइम्स आया है, फोर टाइम्स आया है. तो मोड क्या होगा, टू, क्योंकि टू सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ओके. सो I hope this is clear to you. What is mode? Thank you.